हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप देख रहे हैं हारमोनियम गुरु शर्मा। बहुत ही सुंदर धुन है। इस धुन को मैंने ताल कैरवा पे बजा के दिखलाया है आप लोगों को, और ये राग भैरवी पर आधारित धुन है। इसी को हम बजाना सिखा रहे हैं आप लोगों को। राग भैरवी स्केल पहली काली, स्वर सा रे गा कोमल मा पा धा नी कोमल ता सप्तक का सा रे सा रे गा मा पा धा नी सा दे। कितने स्वरों का प्रयोग होगा? पहला प्रयोग ग म प द प म ग म प म ग रे ग रे सा ग म प द प म ग म प म ग रे सा। सा के ऊपर लास्ट में तीन मात्रा काल ठहरना है और इस पहले फ्रेज को दो बार बजाना है। दूसरा पे ग म प द म द नी सा रे सा नी द नी द प प के ऊपर एक मात्रा ठहरना है। ग म प द म द नी सा रे सा नी ध नी ध प। ये दूसरे फ्रेज को भी आप दो बार बजाना है। और तीसरा फ्रेज प स नी ध प म ग म प म ग रे ग रे सा प स नी ध प म ग म प म ग रे सा। इस तरह से आपके तीनों फ्रेज बन गए। और ताल कहरवा पर जो मैंने बजाया है 160 BPM है उसका टेम्पो ताल कहरवा का, तो आप अपने अनुसार कितना फास्ट बजा सकते हैं। धुन को तो आप कितना भी फास्ट बजाएं चाहे स्लो में बजाएं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उतना फास्ट आपको बजाना भी चाहिए हारमोनियम पर। उतने ही हिसाब से ताल को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। पहले आप मध्य लय में बजाएं तब बढ़िया रहेगा, और अगर आप फास्ट बजा लेते हैं, फास्ट फिंगरिंग है आपकी, तो आप द्रुत लय में भी बजा सकते हैं, यानी कि 200 तक बजा सकते हैं। अभी मैं तीनों फ्रेज बजा के बताता हूं आपको। जिस फ्रेज को दो बार बजाया है उसको दो बार बजाऊंगा, एक बार बजाया एक बार। इस टाइप से ये तीनों फ्रेज मैंने बजा दिए। ग म प द प म ग म प म ग रे ग रे सा। आप ऐसे रट लें बहुत जल्दी सीखें। ग म प द प म ग म प म ग रे सा ग म प द म द नी सा रे सा नी ध नी ध प ग म प द म द नी सा रे सा नी ध नी ध प प स नी ध प म ग म प म ग रे ग रे सा ग म प द प म ग म प म ग रे ग रे सा ग म प द प म ग म प म ग रे ग रे सा। इस तरह से आप बजा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको इस धुन का नोटेशन चाहिए हो, लिखित नोटेशन, मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर नहीं डिस्प्ले किया आपको, क्योंकि स्क्रीन पर डिस्प्ले करने में बहुत वक्त लगता है वीडियो बनाने में, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ, यदि आपको नोटेशन चाहिए इस धुन का तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। आप आसानी से नोट कर सकते हैं और धुन को बजाना सीख सकते हैं, उसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी।
दोस्तों यही नोटिस, यही वीडियो का ट्यूटोरियल खत्म होता है यहीं पर। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, जय श्री राम।